हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज मैं आपके लिए CDB की नेक्स्ट क्लास लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर 9th दिसंबर 2018 का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है वो लेके आई हूँ। मींस फ्रॉम क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ जो पेपर आया था CDB का 9th दिसंबर 2018 में, वो क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन कि उन्होंने पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है। That which one of the following best describes a teacher's role? इनमें से कौन सी चीज़ टीचर के रोल को सबसे अच्छा बता रही है, कौन सी चीज़ है इनमें से, चारों में से देखिएगा। पहला, creating a relaxed space where children learn through dialogues and inquiry, कि बच्चों के लिए एक relaxation वाली place होगी जहाँ पे बच्चे अच्छे से सीखेंगे dialogues, dialogues मतलब एक दूसरे से interact करके, ये तो अच्छी बात है। सेकेंड, टीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इज़ टू मेंटेन डिसिप्लिन, ये तो गलत बात है। टीचर्स शुड एडहेयर टू प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक्स, कि सिर्फ टेक्स्ट बुक्स पे ही डिपेंडेंट रहे, ये भी गलत बात है। फोर्थ, कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑन टाइम, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से क्या वो टीचर्स बेस्ट हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बच्चे को स्पेस देने से और बच्चा उस चीज़ को डिस्कस करे अच्छे से क्लासरूम में, तभी वो कुछ सीखेगा, वो होता है बेस्ट टीचर का रोल। अब आ जाता है सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम्स इनकरेज रिच लर्निंग, इनमें से कौन सी क्लासरूम है जिसमें लर्निंग क्या है सबसे ज़्यादा अच्छी होगी, किस में होगी। पहला ऑप्शन, अ क्लासरूम विथ स्ट्रक्चर एंड प्लान लर्निंग ड्रिवन बाय टेक्स्ट बुक कंटेंट, कि सिर्फ टेक्स्ट बुक्स होनी चाहिए, ये गलत बात है, पहला तो बिल्कुल गलत है। सेकेंड, with the variety of material displayed in the class beyond the reach so that material lasts longer, बच्चों से जो वो material classroom में लाया गया है, चाहे वो books हो चाहे कोई audio visual aid हो, वो बच्चों से दूर रखें ताकि वो ज़्यादा देर तक चल सके, वरना बच्चे वो तोड़ फोड़ देंगे, ये तो गलत बात है, बच्चों के लिए तो होता है वो। थर्ड, अ क्लासरूम विद ओपन एक्टिविटी कॉर्नर, ये बिल्कुल सही है, ओपन एक्टिविटी होनी चाहिए, हर एक बच्चे के लिए होनी चाहिए और हर दिन होनी चाहिए। फोर्थ, अ क्लासरूम विद नीटली ऑर्गेनाइज मटीरियल इन कबर्ड्स ब्रॉट आउट वंस अ वीक फॉर फ्री प्ले, ये बहुत गलत बात है, ठीक है, सिर्फ एक बार हफ्ते में उन बेचारों को खिलाना चाहिए, ये तो बहुत गलत बात है, प्ले तो होना ही चाहिए ना। तो थर्ड ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है कि रिच लर्निंग कैसे होगी, कि जब आप उनको एक्टिविटी करने के लिए थोड़ी स्पेस दोगे अच्छे से। नाउ कम्स द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, Which one of the following best describe the role of the textbooks in the classroom? Textbook का क्या रोल है, जो आप बुक्स पढ़ते हो क्लासरूम में उसका क्या रोल है। पहला, they are the most essential learning resource, क्या ये सबसे ज़्यादा और अच्छा लर्निंग रिसोर्स है, ये तो अच्छी बात है, टेक्स्ट बुक तभी हम पढ़ते हैं ना क्योंकि हमें लर्न होती हैं चीज़ें, उससे हम सीखते हैं, देखते हैं कि है क्या एक्चुअल में। सेकेंड, दे आर वन ऑफ द रिसोर्स एंड रेफरेंस मटीरियल अवेलेबल इन द क्लास, क्या वो सिर्फ इकलौता रिसोर्स है, ये भी गलत बात है। दे मेंटेन होमोजेनिटी इन लर्निंग अक्रॉस द स्टेट ऑफ नेशन, नहीं कि सारे मतलब स्टेट्स के जो लोग हैं वो यही से पढ़ते हैं तो इसलिए हम यही पढ़ेंगे, ये भी गलत बात है। दे प्रोवाइड गाइडेंस टू टीचर्स एंड पेरेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स को गाइडेंस थोड़ी चाहिए, बच्चे को देनी है, तो तीन ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नाउ कम्स अप विद द फोर्थ क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन को। NCF 2005 derives its understanding from, जो 2005 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बना था बच्चों के लिए, वो क्या कहता था, बच्चों की नॉलेज कंस्ट्रक्ट करनी है, तो इसका सीधा सा आंसर है कंस्ट्रक्टिविज्म को लेकर बना था। नाउ कम्स द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, द चिल्ड्रन इन अ क्लास कैन बी कंसीडर टू बी मोटिवेटेड इफ, कि जो एक चिल्ड्रन होता है क्लास में उसको हम कब कह सकते हैं कि वो मोटिवेटेड है। पहला, दे आस्क क्वेश्चन सीकिंग क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द टीचर, कि उसको बच्चा है वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चे से, क्योंकि वो आंसर क्लैरिफाई करना चाहता है, इसका मतलब वो तो बहुत अटेंटिव बच्चा हुआ तो मोटिवेटेड भी हुआ, राइट। सेकंड, दे कम टू स्कूल नीटली ड्रेस्ड, सिर्फ वो अच्छे कपड़े पहन के आता है अच्छे से, मतलब यूनिफॉर्म पहन के आता है नीटली, तो वो मोटिवेटेड हुआ, गलत बात है। डिसिप्लिन मेंटेन करता है इसलिए मोटिवेटेड हुआ, नहीं। रेगुलर अटेंडेंस है इसलिए मोटिवेटेड हुआ, नहीं। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बच्चा अटेंटिव होगा तभी तो मोटिवेट होगा, तभी तो उसका पढ़ने का मन करेगा क्योंकि वो अटेंटिव है, तभी क्वेश्चन पूछ रहा है, जो अटेंटिव नहीं है वो क्वेश्चन भी क्या पूछेगा। नाउ कम्स अप विद द सिक्स्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सूटेबल टू इम्प्रूव चिल्ड्रंस लर्निंग, बच्चे की अगर लर्निंग को सही करना है तो इनमें से कौन सा सही मैथड है। पहला, टीचर शुड
फैसिलिटेट द चिल्ड्रन टू इंटरेक्ट विद ईच अदर. एग्जैक्टली, बच्चों को बोलो कि एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, बातचीत करें, एक दूसरे से सीखें और रियल लाइफ सिचुएशंस पे वर्क करें. तभी तो उनको का पता लगेगा बाकी सारे क्या हैं, गलत है. ठीक है, नाउ कम्स अप विद द सेवंथ क्वेश्चन. द डिसिप्लिन विच हैज सिग्निफिकेंट रोल इन अ लर्निंग एनवायरमेंट इज ऑफ द काइंड विच हेल्प्स. कि जो डिसिप्लिन होता है उसका एक बहुत अच्छा रोल होता है लर्निंग एनवायरमेंट में. और किस तरह का होता है, ताकि बच्चे रट्टा मार सके, रोड मेमोराइजेशन तो बिल्कुल नहीं होगी. सेकंड, चिल्ड्रन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर द ऑन लर्निंग. थर्ड, टू क्रिएट द साइलेंस. टीचर टू गिव द इंस्ट्रक्शंस. सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, बिकॉज इसमें बच्चा अपनी लर्निंग खुद मॉनिटर करता है कि मैंने कहाँ तक सीख ली और मुझे कितनी सीखने की ज़रूरत है. यही तो प्रॉपर डिसिप्लिन होता है, कि बच्चा खुद को मॉनिटर करे, देखे मैं कहाँ तक हूँ और मुझे क्या कितनी ज़रूरत है और पढ़ने की. Now comes up with the eighth question, which one of the following statement is true about the role of heredity and environment. ये question many of the times आया है, तो I don't think इसका answer बताने की भी ज़रूरत है. इसका सीधा सीधा answer है, कुछ aspects होते हैं development के जो influence होते हैं ज़्यादा heredity से और बाकी सारे environment के, क्योंकि heredity और environment दोनों ही बहुत important role play करते हैं. Now comes up with the ninth question, which one of the following statement cannot be attributed to Piaget theory. इनमें से कौन सी theory Piaget की नहीं है. पहला, चिल्ड्रन एक्ट ऑन द इन्वायरमेंट. ये भी सही है. डेवलपमेंट एक्ट इन क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव की बात ही नहीं हुई, वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होते हैं. तो कौन सा एट्रीब्यूट नहीं है, नॉट पूछा गया, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. नाउ कम्स अप विद द टेंथ क्वेश्चन. टेंथ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट. SPCF ये किया था हमने, और इनमें से बोला प्री ऑपरेशनल कौन सा नहीं है. इसमें कंसनट्रेट वाला तो नहीं आएगा, क्योंकि कंसंट्रेट वाला आप सबको पता है वो कंक्रीट ऑपरेशनल में आता है. SCC, क्लासिफिकेशन, कंसंट्रेशन एंड सीरिएशन. तो इसमें सीधा सा बात है, ये प्री ऑपरेशनल का नहीं है. नाउ कम्स अप विद द 11th क्वेश्चन. तो 11th में क्या बोला, प्ले हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल. कि खेलना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उनकी डेवलपमेंट में. ये तो सही है, एक्सेप्ट किस चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं होता, किस चीज़ को छोड़ के. पहला, दे एक्वायर द न्यू स्किल्स. ये तो बिल्कुल सही बात है कि बच्चे अच्छी चीज़ें सीखते हैं, न्यू स्किल्स सीखते हैं. मास्टरी होती है उनकी अपनी बॉडी पर, वो अपनी बॉडी को अच्छे से समझ पाते हैं. दे स्टिमुलेट द सेंसेस, ये भी सही है. बट फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल गलत है. इट इज़ जस्ट अ प्लेजेंट वे टू स्पेंड टाइम. सिर्फ टाइम स्पेंड करने के लिए पढ़ते हैं, ये तो बिल्कुल गलत बात है ना. तो इसका सीधा सा सही ऑप्शन क्या है, मतलब फोर्थ ऑप्शन है. नॉट पूछा गया ना, एक्सेप्ट पूछा गया, मतलब नॉट पूछा गया. तो इसका फोर्थ आंसर बिल्कुल करेक्ट है. Now comes up with the 12th question. Which one of the following questions invites children to think critically? इनमें से कौन सा question ऐसा है जो बच्चे को अच्छे से गहराई में सोचने के लिए मतलब motivate करे. पहला, what are the different ways in which we can solve this? ये तो अच्छी बात है, teacher पूछ रहा है कि अलग अलग तरीके बताओ जिससे हम ये solve करेंगे. इससे क्या होगा, बच्चे की problem solving skills आएगी और बच्चा कुछ सीखेगा, खुद से कुछ सोचेगा. ये तो अच्छी बात है, critically think करेगा. तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. डिफरेंट वेज में कौन सा आता है, पहला ऑप्शन, कि बच्चा डिफरेंट वेज में सोचता है उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए. नाउ कम्स अप विद द 13th क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रोग्रेसिव एजुकेशन. इनमें से कौन सी एजुकेशन प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात कर रही है. तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन कौन सी होती है, जिसमें बच्चा प्रोग्रेस करे, राइट. तो कौन सी होगी, प्रोजेक्ट मेथड और एबिलिटी ग्रुपिंग. ग्रुपिंग की बात आ गई एबिलिटी को लेकर, ये तो बिल्कुल गलत होगा ना, कि बच्चे को आप सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चों को एक ग्रुप बना रहे हो, मतलब नालायक बच्चों का एक ग्रुप बना रहे हो, ये बिल्कुल गलत है. सेकंड, लर्निंग बाय डूइंग, ये तो बहुत अच्छी बात है, खुद करके देखो और सीखो. प्रोजेक्ट मैथड भी और कोऑपरेटिव लर्निंग भी, कोऑपरेशन तो बहुत ज़रूरी है और लर्निंग बाय डूइंग भी इंपॉर्टेंट है. तो 13 का सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है. Now comes up with the 14th question. Which one of the following statement about the progressive education explain education is life itself. इनमें से कौन सी चीज़ है प्रोग्रेसिव एजुकेशन को लेकर, कि बच्चे प्रोग्रेस कर रहे हैं, कि जो एजुकेशन है वो खुद में ही एक लाइफ है, जिंदगी है. एजुकेशन भी एक जिंदगी है, या जिंदगी में ही एजुकेशन है. ठीक है, लाइफ इज अ ट्रू एजुकेटर, नो. स्कूल एजुकेशन कॉन्टिन्यू एज लॉन्ग एज पॉसिबल, नहीं. स्कूल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, स्कूल चाहिए ही नहीं है, तो बिल्कुल ही गलत है. एजुकेशन इन स्कूल शुड रिफ्लेक्ट सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड. एग्जैक्टली, तभी तो आप कहती हो कि एजुकेशन एक खुद में ही जिंदगी है, जिंदगी खुद ही एक एजुकेशन है. क्यों है, क्योंकि स्कूल्स में आप अपने सोशल और नेचुरल वर्ल्ड को ही रिफ्लेक्ट करते हो, जो आप अपनी सोसाइटी और कल्चर से सीखते हो. नाउ कम्स अप विद द 15th क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंट्रीब्यूशन ऑफ कोबर्ग थ्योरी.
कोबा की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी थी, और सीधा सा इसका आंसर क्या है, मॉरल रीजनिंग और एक्शंस, फोर्थ ऑप्शन। नाउ कम्स अप 16th, ZPD पूछा गया है। ZPD जोन अप्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वही होता है कि बच्चा एक पॉइंट पर आ गया है और उसने ऑलमोस्ट, मतलब उसको थोड़ी सी और हेल्प चाहिए ताकि वो करंट सिचुएशन से थोड़ा सा आगे जा सके, राइट, उसको ZPD बोलते हैं। तो इसका सीधा सा आंसर है फोर्थ ऑप्शन, इन विच अ चिल्ड्रन कैन परफॉर्म अ टास्क ऑन देयर ओन विद द राइट लेवल ऑफ सपोर्ट। सही सपोर्ट मिलेगा, करंट लेवल से सही लेवल तक वो जाएगा, वो होता है ZPD। नाउ कम्स अप विद द 17th क्वेश्चन, एंड एंड्रोजिनस पर्सनैलिटी। अब एंड्रोजिनस पर्सनैलिटी क्या होती है, एक्चुअल में वो होती है जैसे किसी एक पर्सन में वुमेन और मेन दोनों की पर्सनैलिटी जो शो करे, मतलब दोनों ही ट्रेट्स हों, मेन के भी और वुमेन के भी, कोई ऐसा इंसान जो मेन और वुमेन दोनों की पर्सनैलिटी लेकर चले, उसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोजिनस पर्सनैलिटी। तो इसका आंसर है सीधा सा, हैज़ अ बैलेंस ऑफ व्हाट आर जनरली कंसीडर्ड मस्कुलाइन एंड फेमिनिन ट्रेट्स। वर्ड पता हो तो एज इट इज़ आपको मीनिंग पता लग जाएगा। एंड्रोजिनस पर्सनैलिटी होती है वो पर्सन जो मेल और फीमेल दोनों के ट्रेट्स लेके चलता है, दोनों की तरह बिहेव करता है, राइट। नाउ कम्स अप विद द 18th क्वेश्चन, चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट नॉट। पूछा गया है कि जो बच्चे हैं वो जेंडर रोल एक्वायर करते हैं किस चीज़ को ना लेकर। मीडिया ठीक है, कल्चर ठीक है, सोशलाइजेशन भी ठीक है, आप सोसाइटी में रहकर सीखते हो, बट ट्यूशन तो नहीं लेते हैं आप जेंडर रोल्स को करने के लिए, राइट। तो जेंडर रोल एक्वायर करने के लिए ट्यूशन की ज़रूरत थोड़ी होती है, ट्यूटरिंग इज रॉन्ग। नाउ कम्स अप विद द 19th क्वेश्चन, वन ऑफ द क्रिटिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैव बीन दैट। जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं, स्टैंडर्ड टेस्ट एक्चुअल में क्या होते हैं, वो टेस्ट जो करवाए जाते हैं बच्चों, सभी बच्चों के एक साथ, जैसे CTET का पेपर दे रहे हो, वो एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट, राइट, जो सभी बच्चों के लिए होता है। तो इट रिप्रेजेंट लार्जली द मेन स्ट्रीम कल्चर एंड देयरफॉर बायस्ड। नाउ कम्स अप विद द 20th क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये एक ही क्वेश्चन है, इसका एक ही आंसर है। मल्टीपल इंटेलिजेंस का क्या मतलब होता है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस, डिफरेंट वेज में सोचना, तो इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ डिफरेंट काइंड, सीधा सा आंसर है इसका। 21st क्वेश्चन, टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो यहाँ से सीधा है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग भी आई है और असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी आई है, तो सीधा सा है कि ये इससे क्या है, बच्चे की प्रोग्रेस पता चलती है और उसका अचीवमेंट लेवल पता लगता है, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 22nd क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन। कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन कहाँ से आया है, इट हैज़ बीन मैंडेटेड बाय द राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट ऑफ इंडिया। राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट ही तो बोलती है कि कॉन्टिन्यूस एजुकेशन देनी चाहिए बच्चों को। तो नाउ कम्स अप विद द 23rd, गिफ्टेडनेस इन चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। गिफ्टेडनेस कैसे आती है, ये आप सबको पता है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों से मिलकर, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नाउ कम्स अप विद द 24th क्वेश्चन, चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम सोशली इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज बैकग्राउंड नीड अ क्लासरूम इन्वायरमेंट विच। कि जो बच्चे हैं जो डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से आते हैं, डिसएडवांटेज मतलब बहुत पुअर फैमिली से आते हैं, उनका बैकग्राउंड भी कुछ अच्छा नहीं होता, तो उनको क्लासरूम में कैसे इन्वायरमेंट चाहिए जिसमें वैल्यूज़ एंड यूजेस देयर कल्चर लिंग्विस्टिक नॉलेज, जहाँ पर उनकी रिस्पेक्ट हो, उनकी लैंग्वेज की वैल्यू की जाए और उनके कल्चर की वैल्यू की जाए, ऐसा इन्वायरमेंट उन बच्चों को चाहिए। नाउ कम्स अप विद द 25th क्वेश्चन, द इंटरवेंशन नीडेड फॉर क्रिएटिव एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन इन द क्लासरूम रेस्ट ऑन। कि जो टैलेंटेड और क्रिएटिव बच्चे होते हैं क्लासरूम में, वो किस चीज़, उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कस्टमाइज्ड एंड स्टिमुलेटेड इंस्ट्रक्शंस मेथड बाय द टीचर। उनको एक्स्ट्रा टाइम थोड़ी दोगे आप, अफेक्शनेट भी नहीं होगे कि हाँ भाई तू तो बहुत टैलेंटेड है, मैं तो मतलब बिल्कुल इंप्रेस हूँ तेरे से, ये भी गलत बात है। गिविंग दम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचिंग अदर चिल्ड्रन, और बच्चों को पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों देनी है, अगर वो टैलेंटेड है तो अच्छा है, बल्कि उसको और आप कुछ अपने आप से क्वेश्चंस दो ताकि वो खुद सॉल्व करे, तो द कस्टमाइज एंड स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शंस। नाउ कम्स अप विद द 26th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पूछा गया, नॉट अ सूटेबल वे टू हेल्प द हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन लर्न। हाइपर एक्टिव बच्चा कौन सा होता है, जो ज़्यादा ही कुछ एक्टिव हो, ज़रूरत से ज़्यादा, इनमें से कौन सी चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए, रेप्रीमेंडिंग देम ऑफन फॉर बीइंग रेस्टलेस। पनिश करना चाहिए, पनिश करना तो बहुत गलत बात है, नॉट आ गया ना तो सीधा सा बात है पनिशमेंट नहीं होगा, ठीक है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
Now comes up with the 27th question. Patterns of divergent thinking. Identify children who are. Divergent thinking की बात क्या होती है? Divergent क्या होता है? जो इंसान आउट ऑफ बॉक्स सोचता है, राइट? आउट ऑफ बॉक्स सोचना, न्यू आइडियाज लेके आना, वो एक क्रिएटिव बच्चा ही कर सकता है. तो उसकी डाइवर्जेंट थिंकिंग इसकी होती है, क्रिएटिव बच्चे की होती है. नाउ कम्स अप विद द 28th क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब, डज नॉट, नॉट आ गया, डिस्क्राइब इन विच अ चिल्ड्रन कैन मॉडल प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर चिल्ड्रन इन द क्लासरूम. आज क्वेश्चन विद कन्वर्जेंट आंसर. कन्वर्जेंट होता है वो सिर्फ थोड़े से लिमिटेड से आंसर हो, ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए. नॉट पूछा गया तो सीधा सा आंसर है पहला ऑप्शन, बिल्कुल सही है इसके लिए. नाउ कम्स अप विद द 29th क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन. इमोशन सीधा सा है, डर एक इमोशन है, तो फियर एक इमोशन हो गया. नाउ कम्स अप विद 30th क्वेश्चन. 3 साल का एक बच्चा है, वो क्या कर रहा है? उसने एक्सप्लेन किया कि जो मिल्क है वो मिल्क बूथ में बनाया जाता है मशीन्स के थ्रू. वो मे बी अपने अंकल के साथ, मे बी अपने पेरेंट्स के साथ मिल्क बूथ में गया होगा. उसने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि अरे वहाँ पे ऐसे मिल्क बनता है. तो इसमें से कौन सी अच्छी एक्सप्लेनेशन है जो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को बता सके? पहला, चिल्ड्रंस फैमिली डज नॉट ऑफर अ स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट. डज नॉट वाला तो नहीं आएगा इसमें. जब उसको इन्वायरमेंट ही नहीं सही मिलेगा तो वो सीखेगा क्या? बट यहाँ पे तो उसने सीखा, तो पहला गलत. द चिल्ड्रन हैव वेरी लिमिटेड एक्सपोजर. लिमिटेड थोड़ी हुआ, उस बच्चे ने देखा, उसको समझ आई, उसने दिमाग में रखा कि मिल्क बूथ में मिल्क बनता है, तो ये तो अच्छी बात है. फोर्थ वाला, द चिल्ड्रन हैव नेवर सीन काउस. ये क्या बात हुई? थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. चिल्ड्रन आंसर बेस्ड किस पे है? उसके एक्सपीरियंस पे, और बाइंग द मिल्क फ्रॉम द मिल्क बूथ. वो मिल्क बूथ में मिल्क लेने गया, तभी तो उसको एक्सपीरियंस हुआ कि ये सब चीज़ें भी होती हैं. तो आज का ये क्वेश्चन पेपर ख़त्म हुआ जो आपका शिफ्ट पहले का था. आई होप टुडेज वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू. थैंक यू वेरी मच. और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़.